भाजपा की ओर से दो बार से चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट काटने के बाद अब उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला हो चुका है। अब सर्व समाज चंद्रभान सिंह आख्या के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें रविवार को सर्व समाज एवं सर्व राजपूत समाज की ओर से जोहर स्मृति संस्थान मेवाड़ सम्मान समारोह का आयोजन कर चंद्रभान सिंह आख्या को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लेते हुए लगातार तीसरी बार बड़े अंतर से जिताकर विधानसभा भेजने का फैसला लिया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने समाज हितार्थ जब भी कार्य हुआ उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हर विकास कार्य में अपनी भागीदारी जी जान से की है। इस समय विपरीत परिस्थितियों में समाज जन को एकजुट होकर आवश्यकता है कि उन्हें भाजपा आलाकमान में शामिल कुछ लोगों से मिलकर व्यक्तिगत द्वेषता के चलते जिस तरह उनका टिकट काटा गया है वह सभी के सामने है, उन्हें क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो चप्पल मिलता है तो क्षेत्रीय समाज जो बीजेपी में है बीजेपी में रहे, कांग्रेस में कांग्रेस में रहे, अगर ये मिलता है सब एक जुट करके छत्तीसगढ़ के हाथ जोड़ के कहेंगे चंद्रबाबू के साथ जय हिंद जय भारत। क्योंकि ये बात अभी से निकल रही है, आप लोगों ने सुना होगा साल डेढ़ साल इस प्रकार की जब से और छह महीने से इस बात को गलत चलने लगी, सुना होगा ना आपने, छह महीने से इस बात को गलत चलने लगी। और एक बात और आप जरूर कहूं, अपन जो चुनाव नहीं गए चुनाव में राजू साहब कंपटीशन नहीं रहे, ये बात आप लोग कान से सुन लेना, कंपटीशन में कांग्रेस और हम ही रहेंगे, इस बात का आप जरूर जान रहे क्योंकि वो कहीं नहीं है, आपको दूर दूर बेटियों की कंपटीशन में नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसको अगर काट सको तो टिकट पर काट लो, बड़ा चुनाव में दंगे की चोर जीतेगा, कोई भी सामने आ जाए जीतेगा, अगर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो वहां पर कमल खिलना इतना आसान नहीं है। और चित्तौड़ जैसी सीट जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ऐसा ऊर्जावान युवा जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींच रहा पिछले 10-15 साल से और आप उनका टिकट काट रहे, और जो सब सामना नजर आ रहा है कि भिंडर में आप 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा रहे और रणवीर सिंह भिंडर जैसा व्यक्ति तो आपको सामने नजर आ रहा है और उनकी टिकट किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से काटा जा रहा है, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। अब इस राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान की राजनीति की इस नब्ज को कौन समझेगा, अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हमारा कोई द्वेष माननीय नरेंद्र मोदी से नहीं, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं, और प्रदेश में जो लोग हैं हमारे समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी हैं, राजन राठौड़ हैं, माननीय वसुंधरा जी हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, वो कर रहे हैं अपना प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कूट रचना हुई है और कुछ इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कौम को भी नुकसान हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है। अभी वक्त है, सुधार कर लिया जाए, संपूर्ण समाज एक मुट्ठी में बंद होकर के साथ हो जाएगा, प्रचंड वेग के साथ कमल खिलेगा। अगर दक्षिण राजस्थान सद गया, मेवाड़ सद गया, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता को राहत मिलेगी। यही था कैसे लगता है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का जो प्रयास किया वो पार्टी के हित में भी नहीं है और समाज को कहीं ना कहीं इससे चोट पहुंची है। समाज के दिल पे अगर जख्म आया है तो इतना बड़ा समाज है, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा, जौहर स्मृति संस्थान और इस तरह की ऐसी बड़ी संस्थाएं तो आज़ादी के पहले से भी काम कर रही है, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो इस तरह से इन जड़ों को झकझोरने का प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए मैं ठीक नहीं मानता। क्या इसी कारण चंद्रभान जी तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी से चुन के विधायक बन रहे थे तो राजस्थान की कैबिनेट के ऊंचे स्तर के काबीना मंत्री से इनको कोई रोक नहीं पाता, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति के कुछ व्यक्ति विशेष का भी कुछ प्रयास ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है केंद्र में बैठे हुए और बाकी प्रदेश के नेतृत्व में बैठे हुए दूसरे लोग इस बात को समझ चुके हैं, तो मुझे अभी भी पक्का विश्वास है कि भूल सुधार होने जा रहा है।